What is up people, what is up YouTube, welcome to another episode. तो यार आज मेरे कुछ अलग करने की जरूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ बनाया जाए. तो इसीलिए अब मैं आ चुका हूँ अपनी किचन में और यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास मेरी मनपसंद की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अवेलेबल है. फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम क्या बना सकते हैं. तो यार मुझे अभी मिला है आलू, चिकन, चिप्स और एक अंडा. तो आज हम बनाएंगे कुरकुरे चिकन बॉल्स, जिसके लिए अपने को सबसे पहले चिकन ग्राइंड करना होगा और वो कि मुझे ग्राइंडर वैसे चलाना नहीं आता, तो क्यों ना पहले मम्मी को बुलाया जाए. मम्मी मैं यार कुछ बना रहा हूँ चिकन कुरकुरे चिकन बॉल्स, तो मम्मी आपकी हेल्प चाहिए थोड़ी. चिकन तो नहीं बनाऊंगी. हाँ बनाओ, मैं तो ग्राइंड कर दो. ग्राइंड करना है हमें यार उसको ना, चिकन को और आलू को मिक्स करके कुछ मेरे को बनाना है. इतना तो कर सकते. तो एक नई चीज ऐड हुई है लिस्ट में, दही. हमने ये किया, दिखाना है मम्मा, हो गया. देखो भाई चिकन हो चुका है हमारा ग्राइंड, दही भी उसमें डल चुकी है, जिसका मेरे को पता नहीं था कि डलनी है कि नहीं डलनी, लेकिन अब डल चुकी है. अब सेकंड चीज जो हम करेंगे वो करेंगे आलू को मैश करना. तो मेक श्योर पहले अपने हाथ धो लेना, मैंने धो लिए थे. चिकन भी ग्राइंड करने से पहले धो लेना, मैंने वो भी धो लिया था. अब अगला जो स्टेप है वो है अंडा. अंडा तोड़ के, अंडा भी फेंट आ गया, इसको भी कर देते हैं अब साइड. नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें हम इसको चिप्स को लेज लेंगे, कोई भी अपनी मर्जी की लेज ले लो, मैंने ब्लू लेज लिया मैजिक मसाला. इसको अच्छे से क्रश कर दो, चूरा बना दो एकदम. अब मसालों में अपने पास क्या क्या है, पहली चीज है अपने पास चिकन मसाला, दूसरी चीज है हमारे पास नमक, तीसरी चीज है हमारे पास लाल मिर्च, चौथी चीज अपने पास काली मिर्च. तो अब हम क्या करेंगे, चिकन को और आलू को मिक्स करेंगे, बीच में डालेंगे हम मसाले और ये है चीज. तो ये हमने आलू ले लिए और आलू के ऊपर अब हमने चिकन ले लिया. अब हम इसमें डालेंगे मसाले. तो सबसे पहले डालेंगे हम काली मिर्च, फिर हम डालेंगे नमक, फिर हम डालेंगे काली लाल मिर्च, लास्ट में हम डालेंगे मीट मसाला. अब हमारा देखो चिकन, आलू और मसाले सब मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे चीज. तो यार अब हमारा बैटर हो चुका है पूरा रेडी. अब हम इनकी बनाएंगे छोटी छोटी बॉल्स और उन बॉल्स को हम फ्राई करेंगे. पहले हम लेंगे इसमें से थोड़ा सा पीस, इसकी बनाएंगे ऐसे करके बॉल एक, ये हमारी बॉल बन गई. इसको हम एग में डिप करेंगे अच्छे से. एग में डिप करने के बाद इसको हम चिप्स में, जो हमारे चिप्स हैं उसमें डिप करेंगे. कवर करने की कोशिश करो जितनी कवर कर सकते हो. तो लास्ट में एक ऐसी बॉल बनके रेडी हो जाएगी. सिम रखना इसको ताकि अंदर से वो अच्छे से फ्राई हो जाए. ठीक है गाइस, सिम रखना ताकि वो अंदर से अच्छे से हो जाए, कच्चा रह जाएगा नहीं तो. तो लो जी अपने हो चुके हैं चिकन पकौड़े कम चिकन टिक्की कम चिकन बॉल्स, सब कुछ रेडी. अब मम्मी आप ट्राई करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे या पहले मैं करूँ? ना भाई मैं नहीं करूंगी, ये रिस्क मैं नहीं लूंगी. खा के देख. अच्छा बाय द वे हम खा रहे हैं शेजवान सॉस के साथ, इसमें करेंगे हम थोड़ा सा इसको डिप. समझ समझा नहीं आ रहा, चल फिर तो मैं अभी खा सकती हूँ. समझा नहीं आया लेकिन एक बार बिना सॉस के खा के देखता हूँ. बिना सॉस के ज्यादा अच्छा लग रहा. अच्छा नॉट बैड प्रिंस, जूसी है. तू मेरे से सुनना चाह रहा था. बहुत अच्छा बनाया, मेरे बेटे ने कुकिंग करी है आज तो. बट ऑन अ जेन्युइन नोट, ऑन अ सीरियस नोट, काफी अच्छा है. सॉस के बिना ज्यादा अच्छा लग रहा है और सॉस के साथ अच्छा लग रहा है. हाँ जूसी जरूर है, सॉस के साथ ना ज्यादा सॉस का टेस्ट ज्यादा आ रहा है. हाँ ओवरपावर कर रही है इसके टेस्ट को. अगर आप नॉर्मली बिना सॉस के खाओगे तो ज्यादा अच्छा आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने लेस के चिप्स भी डाले हैं ना, तो वो भी उसका अलग से टेस्ट आ रहा है. कुरकुरे चिकन बॉल्स, कुरकुरे टिक्की, लेस चिकन, जो नाम देना दे दो भाई. लेकिन बात यह है कि बहुत अच्छा बना. अब बात ये भी है कि अगर अच्छा ना बना होता तो हमें इतनी देर खाना रहा. बहुत अच्छा बना प्लीज, सीरियसली बहुत अच्छा बना. तो यार अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस देखनी है कुकिंग से रिलेटेड, जिसमें तुम्हें एक स्मार्ट सा लड़का कुक करता हुआ दिखे, मैं ऐसी ऐसी और कुकिंग की चीजें लेके आता रहूंगा. अगर नहीं देखना तो भी बता देना, मैं फिर भी लेके आता रहूंगा. तो भाई इसको पसंद कर ही लेना ताकि मुझे भी कोई फायदा हो जाए और ये मैं रोज इससे कुकिंग करवाऊं.
ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. चंगा भाई, सत श्री अकाल.